मतलब 2020 के पहले से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ये सामने देख सकते हैं पूज्य बालाजी का मंदिर, और उसी के जस्ट बगल में श्री सन्यासी बाबा का समाधि, और जो महादेव हैं बागेश्वर महादेव का दर्शन कीजिए। यहीं से आप लोग जो सभी भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं, और आज 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर के दिन भी पूज्य सरकार धाम पर ही रहेंगे। तो देख सकते हैं जो बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। तो इसके आसपास के प्रांगण का दर्शन तो करवाएंगे करवाएंगे, उसके साथ साथ में इसके जो पूरे बालाजी का मंदिर का और प्रांगण का और दिव्य दरबार का दर्शन करवाएंगे। तो देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार मंदिर से एंट्री होती है। जो ये अभी हम बाहर निकलने रास्ता है, यहाँ पर जो बाहर निकलते हैं इसी रास्ते से, तो पूज्य सरकार अभी धाम पर ही है, तो धाम पर ही दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। बिना टोकन बिना नंबर का बाहर ही दिव्य दरबार लगा रहा जा रहा है। तो उसके आसपास का दृश्य देख लीजिए, ये टीन सेट यहीं से लाइन में लग कर एक करके दर्शन कर आते हैं श्रद्धालु। तो दर्शन कर लीजिए आप लोग, इस प्रकार है जो यज्ञशाला बन रही है, तो देख सकते हैं काम वगैरह चल रहा है इसका भी, और इसके आसपास का पूरा प्रांगण का दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये गायों से सावधान रहिएगा आप लोग, पूजा पाठ करते समय आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इसके आसपास का दृश्य देख लिया आपने, अब तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके जस्ट नीचे आ चुके हैं, तो इसके जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो श्री सन्यासी बाबा का समाधि का दर्शन करने को भी मिलेगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह आप लोग कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग लाइन में लगेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए बालाजी के, तो यहीं पर आपको सन्यासी बाबा का समाधि के दर्शन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और देख लीजिए इसके आसपास का दृश्य हम आपको दिखला रहे हैं। अभी हम ऊपर की साइड में ही हैं, ये नीचे उतर कर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करवाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, तो बने रहिएगा वीडियो में। पहली बार वीडियो पे जुड़े हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बढ़ते हैं आगे की ओर। देख लीजिए अभी सभी भक्त लाइन में लगे हुए हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। कुछ भक्त नीचे से प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं। प्रसाद चढ़ाना ऊपर अलाउड नहीं है, तो नीचे से प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। तो देख लीजिए इस प्रकार का ये दृश्य दिखेगा। दिया वगैरह लेना हो सन्यासी बाबा का नाम का जलाने, बागेश्वर बालाजी के नाम पर जलाने, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं बेधड़क हो गए। तो 5-5-10 रुपया में यहाँ पर मिल जाता है नारियल वगैरह, माला वगैरह 40 वगैरह 10-10 रुपये में मिल जाता है, तो आसानी से लेकर पाठ कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, चलिए। Thank you.
तो इसी के जस्ट नीचे आ चुके हैं मंदिर के, और देख सकते हैं यहाँ पर टीन सेट वगैरह यहाँ पर मुफ्त रहने की व्यवस्था रहती है। तो देख सकते हैं ये रहा बागेश्वर धाम का कार्यालय है, यहाँ से आपको जो भी जानकारी चाहिए यहाँ से मिल सकती है, और जो भी सिद्ध करिए नारियल वगैरह मिलते हैं तो यहीं पर मिलते हैं, और आप लोग आकर जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोरी भरकर यहाँ पर नारियल यहाँ पर रखे हुए हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में नारियल यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसके आसपास का दृश्य देख लीजिए। टीन सेट के बगल में जस्ट नीचे रुकने की व्यवस्था है, जो भी निःशुल्क रुकना चाहता है तो यहाँ पर रुक सकता है। तो अभी महायज्ञ का दर्शन करवाएंगे, राम दरबार का दर्शन करवाएंगे, दिव्य दरबार का दर्शन करवाएंगे, वहाँ पर पूज्य सरकार बैठ कर दिव्य दरबार लगाते हैं। तो बढ़ते हैं, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो बागेश्वर धाम का बहुत ही मुश्किल से मिलता है और बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो जन जन तक पहुंचाना वीडियो को बहुत ही आवश्यक है। तो देख सकते हैं ये रहा परिक्रमा मार्ग, कुछ भक्त परिक्रमा कर रहे हैं, और बरसात का मौसम है तो थोड़ा कीचड़ वगैरह हो सकता है, तो परिक्रमा मार्ग में कीचड़ वगैरह है, तो जो परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पैर, जो भी आता है पहली बार बागेश्वर धाम तो परिक्रमा जरूर करता है। परिक्रमा करने का कुछ नियम वगैरह रहता है, तो आप लोग पहली बार आए तो नियम से ही परिक्रमा करें, 7 या 11 परिक्रमा लगानी पड़ती है पहली बार आता है जो भी अर्जी बांधता है। तो देख सकते हैं अभी परिक्रमा मार्ग से होते हुए श्री राम दरबार की ओर बढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए आप लोग परिक्रमा मार्ग का दर्शन कर लीजिए और महायज्ञ का दर्शन कर लीजिए। महायज्ञ के दर्शन मात्र करने से ही सारे दुर्ग गायब हो जाते हैं, और इसकी भी परिक्रमा कर रहे हैं कुछ भक्त। आज ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है, क्योंकि पूज्य सरकार रहते हैं तो भीड़ तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो पूज्य सरकार बैठते हैं वहाँ का दर्शन करवाएंगे। देख लीजिए कुछ महिलाएं परिक्रमा कर रही हैं, और इसके साथ साथ हम आपको पूरा बागेश्वर धाम का टूर करवाएंगे, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग के माध्यम से 15 सितंबर की जानकारी देंगे, जो पूज्य सरकार हैं अभी 4 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद कहीं निकलना है, और आगामी कथा का जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे आगे। तो अभी भोपाल कथा खत्म मतलब कैंसिल ना होकर आगे डेट बढ़ा दी गई है उसकी, इस कारण से अभी कथा नहीं हो पाई है भोपाल में, फिर भोपाल में होगी तो वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे ये खाएंगे। पानी लिया जो है तो अभी हम इसके नीचे आ चुके हैं मंदिर के सीढ़ियों के पास। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भक्त आ रहे हैं, यहीं पर है श्री राम दरबार, 3 मंजिला श्री राम दरबार है, 2nd फ्लोर पर गुरुदेव रहते हैं, जब भी धाम पर रहते हैं तो यहीं से दर्शन देते हैं सभी श्रद्धालुओं को, लिए भले ही 2 मिनट के लिए बाहर निकलें, सभी श्रद्धालुओं को आसानी से सफलतापूर्वक दर्शन देते हैं। इसी खिड़की से आप देख सकते हैं सामने दरवाज़ा है, ये झंडा वगैरह लहरा रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही औसम लगता है। तो देख लीजिए यहीं पर श्री राम दरबार का यहीं बहुत ही वितरण होती है, यहीं से पूज्य सरकार सभी को जानकारी देते हैं, और कहीं भी बाहर जाते हैं तो यहीं से सरकार दर्शन देकर जाते हैं। ये रहा सेवा सहयोग क्रमांक जो है, यहाँ पर आप लोग जो भी दान दक्षिणा देना चाहते हैं दे सकते हैं, अन्नपूर्णा में यहाँ पर आपकी रसीद कट जाएगी, आप लोग दे सकते हैं। और चलिए आगे का अब आपको दृश्य दिखलाएँगे श्री राम, ये देख सकते हैं आप सामने जो श्री राम दरबार रहा, और यहीं पर पूज्य गुरुदेव दिव्य दरबार लगाते हैं, और इसी के जस्ट बगल में अन्नपूर्णा है, ये देख सकते हैं आप अन्नपूर्णा का दर्शन कीजिए, जो निःशुल्क यहाँ पर भंडारा चलता है देख लीजिए आप लोग। ये देख लीजिए यहीं पर लगता है दिव्य दरबार, यहाँ पर जो मैटी वगैरह यहाँ से जो छाया वगैरह कर दी है गुरुदेव भगवान द्वारा,
तो देख लीजिए आप सभी, यहीं पर लगता है महादेव के दरबार, जो कि सरकार के आने से पहले भीड़ यहाँ पर बैठ चुकी है। कुछ भक्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देख लीजिए, और पास से चल के दर्शन भी करवाएंगे ही करवाएंगे, जो पूज्य गुरुदेव बैठते हैं। देख लीजिए सामने जो बैठे हैं भक्त, जो कि यहाँ पर बैठ चुके हैं, यहीं पर जो पूज्य सरकार दरबार लगाते हैं। तो देख लीजिए सामने उनका स्टेज वगैरह सजा हुआ है, ये सामने देख लीजिए आप, और इसके पास से चल के दर्शन करवाएंगे। आ रही है, आज चला रही है।